हेलो एवरीवन, तो आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत है। आज संडे का दिन है, थोड़ा सा आज ही मिलता है मुझे ब्लॉग बनाने का समय। तो ऐसा है, आज मैं हूँ बिल्कुल नहा धो के रेडी, सुबह के बज रहे हैं 8। थोड़ा सा साफ़ सफाई वगैरह करके, रोशनी आ रही बाहर से, कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसा है कि आज का दिन मेरा, अब मैं जा रही हूँ कुछ स्पेशल बनाने के लिए। पहले कुछ करते हैं, उसके बाद जाना है मुझे आज शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए क्या शॉपिंग आज मैं करके लाने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, तो उसके लिए मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। तो फिर मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो पहले फटाफट मैं कुछ नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ और बाकी काम निपटा के फिर चलेंगे शॉपिंग करने के लिए। तो आज जो है मेरे, मैं कुछ आज बढ़िया से सेलिब्रेट करने वाली हूँ। क्या सेलिब्रेट करने वाली हूँ ये आपको जब आप पूरा ब्लॉग देखेंगे तभी पता चलेगा। रोशनी थोड़ा कम हो रही है इसलिए थोड़ा ब्लर आ रहा है वीडियो। तो ये जो है मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है। पहले मैं कुछ खाना बनाने वाली हूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने आलू उबालने के लिए। और ये जो है मैंने निकाल दिया है आटा, इसे मैं आटा मलने वाली हूँ। और साथ में ये मैंने जो है सूजी भिगा रखी है, इसकी मैं स्पेशल डिश बनाने वाली हूँ। और साथ में ये बनने वाला है मीठी सिवई, तो ये सब मैंने तैयार कर लिया है। मीठी सिवई भी मैंने बना ली है। तो अब जो है ये सब तैयार करके पहले फटाफट बनाती हूँ मैं खाना, उसके बाद फिर देखिए शाम तक। आज बहुत स्पेशल, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो क्या क्या होने वाला है आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। क्या बन रहा है आज खाने में? ये बना रही हूँ मैं, ये मैंने बना दिए आलू, अरे वाह दिख रहे हैं ना। और ये बना दी मैंने इस मीठी सिवई, और ये बना दी है पूरी, और ये मैं बना रही हूँ पुआ। खाना पर खाने के लिए तैयार है ना अभी, ठीक है? अरे लकी, ले इसको इसको मंदिर में रखा था, इसको मंदिर में रखा। आज स्पेशल डे था तो मैंने सोचा आज का जो नाश्ता है वो स्पेशल होना चाहिए, तो थोड़े पोए हुए मैंने बनाए हैं, दिखने में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बहुत तेज़ हो रही है धूप और मैं जा रही हूँ बाज़ार को, बिल्कुल गुंडा गुंडा बन के। इसको अंदर, एक स्कूटी को अंदर डाल दे, किसी काम की नहीं है। और बाज़ार को जा रही हूँ क्योंकि जो है थोड़ी सामान खरीदना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चला जाए बाज़ार को, जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। धूप तेज़ है, थोड़ा उधर से मिलेगा ऑटो, तो मैंने सोचा तब तक थोड़ा बाहर की दुनिया देखते हुए चलते हैं। दोनों बच्चे जाते आगे आगे लड़ाई झगड़ते हुए। मेरा चेहरा कैसा आ रहा है? ऐसा लग रहा है मतलब वजह से लग रहा है घूंघट घूंघट ओढ़े हुए लग रही थी, बढ़िया। ये देखो, मैं धूप हो रही है तेज, तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ मुँह ढक ढुक के, तो इसलिए मैं बिल्कुल मुंह ढक ढुक के जा रही हूँ बढ़िया ढंग से। मार्केट जाके सबसे पहले मैंने कराया अपनी बेटी का हेयर कट करवाया था। बहुत समय से उसके बाल काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो क्योंकि दो चुटियाँ बनानी पड़ती है बच्चों को, तो अब थोड़ा से तो हेयर कट कराया था। फिर मार्केट में गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सुबह से घूमते घूमते हमें कई समय से हम घूम रहे थे, कभी इस दुकान में कभी उस दुकान में, बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जो है हमें धूप भी लगी थी, थक गए थे। काला कट्टा है, कच्चा आम है, मेरे को तो कच्चा आम देना। स्ट्रॉबेरी भी है, जल्दी बता तुझे कौन सा चाहिए। इधर को आ जाओ, साइड को आ जाओ। काला कट्टा, एक काला कट्टा तू बता। स्ट्रॉबेरी, काला कट्टा, एक तीनों अलग अलग है, स्ट्रॉबेरी एक वो एक वो। वैसे काला कट्टा भी अच्छा होता है। आपको स्ट्रॉबेरी कैसा हो रहा है? चलो
वाले लेकर आते हैं ना। अच्छा, हम लोग अल्मोड़ा से गाड़ी में लेके आए। हाँ, हमको वापस जाओगे? हाँ, हम भी जाते हैं। काफल खरीदे हमने आज। वहाँ से निकलकर फिर हम गए थे किसी म्यूज़िक के शोरूम में, म्यूज़िक के जहाँ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, हम लोग वहाँ गए, हमें कुछ ख़रीदना था। कैसे, कौन सा सही लग रहा है, ब्लू वाला? ये इसका कलर है। अच्छा, 52 वाले का है, उसमें का हाँ देख ले, जो इन दो, ये देख ले, अब तू देख ले फिर जो लगना है, अब एक बार लेना है तो ऑनलाइन मेरा कार्ड बना हुआ है इधर। अब कैसा लग रहा है, लग रहा है बर्थडे जैसा है? नंबर पे है ना कार्ड, है ये जो नंबर है। खाली मुंह नहीं दिखा रही, यही दिखा रही। हाँ, लव इट। तो फाइनली हम बाजार से आ गए हैं, और ये देखो, ये मैंने अपने बच्चों को ये इनके लिए, ये इन्होंने जिद करके कह रहे हम हमारा सेलिब्रेशन बनता है, तो इनके लिए ख़रीदा है ये गिटार। अब ये दिन भर टें 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 बजाएंगे और मेरा दिमाग ख़राब करेंगे बच्चों को। दीवान से भी उतना ही हैप्पी बर्थडे बाबू, ये ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं इनको। और मैं खोल के देख इधर, हाँ, इस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करो, और वो वाला गिफ्ट भी अनबॉक्सिंग करते हैं जो वहाँ से लेके आए हैं म्यूज़िकल वो। और एक छाता खरीद के लाए हम ये बाजार से, ये छाता भी पता नहीं उन्हें महंगी दी जाने कैसी थी, छाता खरीद के लाए हैं। इस देखो गिफ्ट में क्या है, अरे वाह, तू इसको अपनी बात कर दी काली में। अपनी अपनी कोई बात नहीं, उसको दिया हुआ गिफ्ट था, उसने यूज़ नहीं करी थी ना, नई थी वो, उसने नई जो है वो नई जो है उसने, तो तू इसको रखे रहो, बढ़िया एग्ज़ाम देना। थैंक यू बोल, थैंक यू दिद्दा। देखो ये है, ये गिफ्ट है आज का, बाजार से हम शॉपिंग करके लाए, तो ये जो है इनके एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस का है, बजा के दिखा। अभी आ जाएगा बजाना, थोड़ा सा सीखोगे तो आ जाएगा। अब इसी को बजाते नहीं रहना, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? ये खाली थोड़ा रिलैक्स मूड रिलैक्स कर। देखो, और मैं अभी जो बाज़ार से मैं अभी क्या क्या मैं दिखाती क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं, तो अभी हम बाज़ार से लेके आए हैं शॉपिंग करने के लिए, ये छाता लेके आई मैं, ये छाता ले मेरे पास, और एक आधी स्टॉल लेके आई, और मैं लेके आई ये ओ परू है बाजू चप्पल के लिए। अच्छा यस, ये चप्पल लेके आई, ये वाली सैंडल लेके आई, और एक 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 सूट ये लेके आए हैं, बहुत सारे आज तो बहुत सारे सूट खरीदे भाई। एक ही एक ये लेके आए हैं, येल्लो डर्टी फेलो, एक दूसरा ये है ऑरेंज कलर का, ये भी ऐसा ही है लगभग जो है, ये ऑरेंज कलर का है। एक सूट और है, ये एक सूट ये लेके आए हैं, आज तो बहुत सारा सामान लेके आए हैं हम, और ये के लेके आए हैं इसके साथ स्टॉल। तो ये हमारी हुई आज की शॉपिंग, और ये थे।